हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग स्टेनोग्राफर का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2022 का। अब कल हम लोगों ने 17 नवंबर का प्रीवियस पेपर ख़त्म किया। 17 को 3 सेट हुए थे, 3 को हमने 6 बनाया था 50-50 करके। आज हम लोग करने जा रहे हैं 18 नवंबर का पेपर। 18 नवंबर की पहली शिफ्ट का पेपर है, अभी सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट बाकी है, 2 दिन का हो जाएगा। तो शिफ्ट फर्स्ट कौन सी है? मॉर्निंग में 9 बजे से 11 बजे वाली शिफ्ट फर्स्ट है। इसमें 100 क्वेश्चन थे जिसको 2 हिस्से में काटा है, क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 50 तक फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद सेकेंड पार्ट में होगा। PDF अटैच्ड है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, आई बिलीव सो। ठीक है, अब इसके बाद यही वाला PDF कल वाले में भी काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि PDF एक बार में 100 क्वेश्चन का कर देता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 17 तारीख वाले तीनों सेट नहीं देखे हैं, भाई आप लोग देख लीजिए। 17 तारीख वाले 6 हैं, सेट हमारे 6 होंगे क्योंकि 50-50 के 2 किए थे। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए, फिर ये देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा, आप कहीं चला नहीं जाएगा। तो PDF सॉल्व करके आपने डिस्कशन करना शुरू कर दिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एरर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ नो एरर लिखा हुआ है, अब ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। यहाँ लिखा है ही एंजॉयज लुकिंग अ गुड गेम, आगे लिखा है अ बेसबॉल ऑन टेलीविजन। तो ही एंजॉयज, जब हम ये वर्ब में एस लगा हुआ है, तो जब वर्ब में एस लगा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है हमारी हैबिट या रूटीन के बारे में। ठीक है, क्या होगा? हैबिट या रूटीन या यूनिवर्सल ट्रुथ। तो अब देखो ही लिखा है तो ही तो यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं जाएगा, इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। आई है, यू है, ही है, सी है, तो ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वी होता तो यूनिवर्सल ट्रुथ हो सकता था, आई इंडिविजुअल पर्सन होता, तो ये आएगा हैबिट या रूटीन में। तो अगर हम कहते हैं ही एंजॉयज लुकिंग अ गुड गेम, ठीक है, तो भाई वो एक अच्छा गेम टीवी पर, एक अच्छा गेम खासतौर से बेसबॉल, उसको लुक करना अच्छा लगता है। तो पहली बात तो ये है कि ये हैबिट का सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो ही एंजॉयड कर लो या ही इज एंजॉइंग कर लो, दो चीज़ हो सकती है, या ही एंजॉयड करो, ही इज एंजॉइंग करो, ही हैज एंजॉयड कर लो। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है वो क्या है? लुक। ठीक है, जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी पर कुछ चीज़ देखने को लुक नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? वॉच कहते हैं। ठीक है ना, ही एंजॉयज वॉचिंग। अच्छा, एंजॉय के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, ये बात होता है, एंजॉय के बाद आएगी वर्ब की एनजी फॉर्म। लेकिन टीवी देख रहे हो, कोई प्रोग्राम वगैरह टीवी वगैरह देख रहे हो, तो वो वॉच होता है, लुक नहीं होता है, समझ गए? तो गड़बड़ी फिलहाल कहाँ है? ही एंजॉयज लुकिंग, एक्चुअली लुकिंग का वॉचिंग कर दो, ये ठीक है, ये अगर हम रूटीन में मान भी लेते हैं तो। ठीक, हालांकि एक बार का काम है, रूटीन का काम नहीं है। तो पहले वाले में पहला गलत हुआ, अब आ जाओ अपने दूसरे वाले में। दूसरे वाले में कह रहे हैं idiom बताओ, तो idiom क्या है इनका? bite the bullet। bite the bullet, bullet कौन सी है? गोली भाई, जो बंदूक से निकलती है। अगर आप गोली को चबा रहे हो, गोली चबाने का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो वो करनी ही पड़ेगी, और जिसका होना तय है, आप रोक नहीं सकते उसको। तो लिखा है कि टू गेट समथिंग ओवर, ठीक है, बिकॉज इट इज, अब यहाँ इन्होंने कहा गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है किसी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। बिकॉज इट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला नहीं जा, जो अटल है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ही सबसे बढ़िया है। ठीक है, दूसरा है टू ईट समथिंग अनहेल्दी, अनहेल्दी खाने की यहाँ नहीं बात है। टू बाय एम्यूनिशन, ये भी नहीं होगा। आगे लिखा है टू फील पावरलेस, ये भी नहीं होगा, वो वही चीज़ है जो होना तय है, जो होना अटल है, उससे उभरना, निकलना, उसके बाहर आना। अब आ जाओ थर्ड वाले में, थर्ड में स्लैश बता रहे हैं कहानी की, ये नो एरर है। ठीक है, आ जाओ आवर नेवर वाज ऑलवेज टोल्ड अस, देखो ये वाज है और ये टोल्ड है भाई।
वाज के साथ टोल्ड कब लगता है, जब पैसिव वॉइस होती है, समझ गए। आगे लिखा है फनी जोक्स एंड स्टोरीज, वो हमें फनी जोक्स एंड स्टोरीज सुनाते हैं तो आवर नेवर जो है ये सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट एक्टिव में है क्योंकि यही इस काम को करते हैं, तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो ये वाज हटा दो और क्या, आवर नेवर ऑलवेज टोल्ड अस, वो हमको हमेशा सुनाया करते थे कहानियाँ। टोल्ड ना लगाओ तो टेल्स कर दो, हमेशा सुनाते हैं, प्रेजेंट में है तो टेल्स और पास्ट में सुनाया करते थे तो टोल्ड, ठीक है। फिलहाल वाज गलत है, काटो इसको। और एरर किस में होगी, यहाँ वाज लगा हुआ है तो दूसरा वाला पोर्शन होगा। अब आ गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये कह रहे हैं कि उसकी क्या बताओ, अब साइनोनियम बताओ। चलो इसका साइनोनियम देख लेते हैं हम लोग। आर लोकलिटी हैज अ कॉमन स्पेस फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल। तो यहाँ क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल मतलब होता है कि त्योहारों का आयोजन करना, प्रोग्राम वगैरह का आयोजन करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहाँ साइनोनियम बताना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या है, सेलिब्रेटिंग दिया है, फॉर्मिंग दिया है, विटनेसिंग दिया है, ठीक है। तो फार्मिंग और विटनेसिंग तो यहाँ नहीं लगेगा, अब कोऑर्डिनेटिंग है। तो अब एक है सेलिब्रेटिंग और एक है कोऑर्डिनेटिंग, तो क्या करोगे, सेलिब्रेट किया जाएगा फेस्टिवल्स को या कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो दो में आपको फंसा है, आप बताइए इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हमारी लोकलिटी में एक कॉमन स्पेस है जहाँ हम त्योहारों को क्या करते हैं, आयोजित करते हैं। अच्छा, जो नेशनल डे हो गया, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर हो गया, तो इस तरह के जो नेशनल डे होते हैं उनको वहाँ पर क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और जो फेस्टिवल हैं उन फेस्टिवल्स का को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा ये बताओ कि जब हम किसी सार्वजनिक स्थल पर, किसी पब्लिक प्लेस पर जो त्योहारों वगैरह को मनाते हैं, तो उन्हें सेलिब्रेट करते हैं या कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सेलिब्रेट हम घरों में करते हैं ना, जब बाहर सार्वजनिक जगहों पे, पब्लिक प्लेस पर उनको मनाया जाता है, बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग एक साथ भाग लेते हैं, तो जब एक साथ लोग भाग लेते हैं ना, तो उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है, फेस्टिवल को किसी पब्लिक प्लेस पर कोऑर्डिनेट किया जाता है, वहाँ सेलिब्रेट नहीं, सेलिब्रेट आप घर में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, अगर आप ये सेलिब्रेट सोच रहे हो तो नहीं होगा। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नया फेस्टिवल, देखो फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट नहीं, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट किया जाएगा, ठीक है, ना कि सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ हो गया हो तो कोई बात नहीं, बहुत क्लोज मीनिंग थी ना, डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा था। और ललचा तो रहा ही है, सेलिब्रेट ललचाएगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ ना बार बार कि लालच बुरी बला है, लालच मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चा लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा, ये वाला है, पांचवा वाला। एरर बता रहे हैं, एरर करनी ही है, देखो ऑप्शन में कहीं नो एरर का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ लिखा है एरर ढूंढो, ठीक है। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे, वायलिन मत नहीं, प्लेइंग वायलिन का मतलब आप वायलिन बजा रहे होगे, कल इस समय तक तुम वायलिन बजा रहे होगे, अभी तक सेंटेंस सही है, लेकिन जो लिख दिया फॉर 48 आवर्स मतलब 48 घंटों से, तो जैसे ही फॉर 40 आवर्स लगा दिया वैसे ही विल बी गड़बड़ हो गया, तो ये विल बी नहीं, यही अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं, अब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ क्योंकि समय भी दे दिया गया है। तो ऐसे में होना चाहिए थे यू विल हैव बीन प्लेइंग वायलिन, यू विल हैव बीन प्लेइंग वायलिन, तो जहाँ विल बी लिखा है वो गलत है, इनको मारो गोली, हटाओ यहाँ से, ये गलत हो गए, आंसर आपका पहला हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो ये रहे 6, इनमें क्या करना है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया है तो देखें क्या गड़बड़ी है। ही अपील्ड फॉर द कोर्ट टू चेंज द डिसीजन, उसने कोर्ट से अपील की कि आप डिसीजन चेंज कर दीजिए। जब हम किसी से अपील करते हैं तो उसको क्या लगाते हैं, टू, जिस बात के लिए, जैसे अपील फॉर लीव, अपील फॉर कंसेशन, ये होता है जिस चीज़ के लिए अप्लीकेशन दिया जाता है उसके लिए फॉर लगाते हैं, जिससे किया जाता है उसके लिए क्या लगाते हो, टू लगाते हो। देखो अपील के साथ दो प्रीपोजिशन, दो क्या, तीन लगता है, टू जिससे अपील करते हैं, फॉर जिसके लिए अपील करते हैं, अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन वगैरह है तो उसके अगेंस्ट करते हैं, समझ में आया। तो यहाँ अपील के साथ टू लगेगा क्योंकि आपने कोर्ट से अपील की है, तो अब क्या होगा, अपील्ड टू द कोर्ट, ठीक है, 6 में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है आपका 7।
सेवन में क्या कर रहे हैं? पैसिव वॉइस। अच्छा, लिखा है द वेडिंग प्लानर, शादी वगैरह का जो इंतज़ाम करते हैं, इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशंस एंड अरेंजमेंट्स। तो इज के साथ ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, तो मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी मतलब बीइंग के साथ हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। अच्छा, ऑल द अरेंजमेंट्स हैं तो ये प्लूरल में हो जाएगा, तो ऑल द अरेंजमेंट्स आर लगेगा। तो हम सबसे पहले देखें आर बीइंग मेड, ना आर टू बी मेड नहीं होगा, आर बीइंग मेड यहाँ पे है, और लिखा है कि यहाँ आर बीइंग मेकिंग, तो आर बीइंग मेकिंग नहीं होगा, मेड होगा, और यहाँ क्या लिखा आर मेड, तो ये भी गलत हो गया। तो हमको तीन गलत मिल गए, एक है केवल सही जिसमें आर बीइंग मेड दिया हुआ, हो गया हमारा काम, हमें और क्या लेना देना। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, ये फिर से एरर का क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा है ग्रामेटिकल स्लैश भी तो बताते हैं, गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल, मुझे कोई किताब दे दो जो मेज पर रखी है। अब ये बताओ कि जब कह रहे हो कि जो मेज पर रखी है तो कोई डेफिनेट बुक है कि इनडेफिनिट है, तो आप सोचो ऐसे कहना कि जो मेज पर रखी है मुझे वो कोई किताब दे दो, मेज बता रहे हो मेज पर रखी है, कह रहे हो कोई किताब दे दो, मतलब ये कहना होगा मुझे वो किताब दे दो जो मेज पर रखी है, तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ डेफिनेट अ पर्टिकुलर बुक बिकॉज यू आर टेलिंग दैट विच इज लाइंग ऑन द टेबल। तो अब आपको ये डेफिनेट बुक हो गई ना, तो जब डेफिनेट बुक हो गई तो इसका मतलब डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, तो आने यहाँ पे द होना चाहिए, गिव मी द बुक, ठीक है। तो गलती कहाँ हो गई, ये जो आ बुक लिखा है वो गलत है, आपका आंसर नंबर थ्री हुआ। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर नाइन में, नाइन में क्या करना, फिर वही अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन क्या है यहाँ, क्या पूछा है, साइनोनिम पूछा है, पढ़ो जरा। तो ही गेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन, बड़ा सा डोनेशन दिया, एकाध मतलब 10-20 लाख का, फायर फ्लड विक्टिम्स, बाढ़ पीड़ितों के लिए, एंड एवरीवन अप्रिसिएटेड, और हर आदमी ने तारीफ की हिज मैग्नेनिमस एक्ट। मैग्नेनिमस यहाँ क्या हो गया, उदार हो गया, उदार का मतलब जनरस हो गया, मतलब भाई इतना पैसा पीड़ितों के लिए दिया उन्होंने, तो उदार जनरस काइंड हो जाएगा ना, दया वाला सहानुभूति वाला होगा। तो अब बताओ इसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए, दया सहानुभूति वाला कौन सा होगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम सारे ऑप्शंस की मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग देखने के बाद आपको बताते हैं कि कौन सा लगेगा, ठीक है। आ जाओ, विंडिक्टिव का मतलब होता है बदला लेने वाला, क्या विंडिक्टिव क्या हो गया, बदला लेने वाला, ये तो हो गया नहीं। चिमेरिकल, चिमेरिकल का मतलब होता है ला इलाज, ऐसा जिसकी दवा नहीं हो सकती, ला इलाज मतलब असाध्य, मतलब इनक्योरेबल डिजीज के लिए लगेगा, तो यहाँ ये बीमारी शिमारी कोई मतलब नहीं। चिवेलरस का मतलब क्या होता है, वीरतापूर्ण, बहादुरी का, चिवेलरस मतलब क्या होता है, बहादुरी पूर्ण, ये होता है वीरता पूर्वक, बहादुरी का काम हो गया। और चेरुविक मतलब होता है दिव्य, ठीक, ये देवताओं से संबंधित हो जाएगा, दिव्य। अब क्या लगाओगे, अब यहाँ पे देवताओं से रिलेटेड ये है नहीं, ठीक है, एक्ट, ठीक है, चेरुविक एक्ट ये तो लगाना नहीं है हमको फिलहाल, बचा आपका चिवेलरस। चिवेलरस अब ये बहादुरी से रिलेटेड है, तो इतना ज़्यादा दान देना, देखो यहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है ना, आप किसी पीड़ित को, दुखी व्यक्ति को, सब उनको दान दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा दान देना तो एक मतलब यह भी तो एक तरह की बहादुरी ही होती है कि आप भाई इतना ज़्यादा दान दिए, बड़ी बहादुरी का काम किया, इतना ज़्यादा दान दिए, इतने लोगों की मदद की। तो देखो ऐसे दानी वगैरह का कोई वर्ड यहाँ पे है नहीं, जब दानी वगैरह का कोई वर्ड नहीं है तो हम क्या लगाएं, फिर हम चिवेलरस लगाएंगे और क्या, ठीक है। ये चिवेलरस सीधा साइनोनिम नहीं है, बाकी तीनों में कोई नहीं है इसलिए वो लगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट S1 S6, ठीक है, बीच में ABCD है, ठीक, चलो लगाते हैं इसको। तो एक पढ़ो, लिखा है कि अ लाइब्रेरी इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज, जो लाइब्रेरी है वो इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज का एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन होता है, ठीक है, ये बात हो गई। ये में लिखा कि दीज रिसोर्सेज, अब देखो भाई यहाँ रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, यहाँ लिख रहे हो दीज रिसोर्सेज, तो मतलब S1 के बाद A कनेक्ट ही हो गया सीधे, ठीक है।
दीज रिसोर्सेज आर मेड एक्सेसिबल टू अ डिफाइंड कम्युनिटी फॉर देयर रेफरेंस आर बारोइंग। ये जो रिसोर्सेज हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल होते हैं जो एक खास कम्युनिटी, मतलब जो जिन लोगों को उस तरह के बुक्स की ज़रूरत होती है उनके लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं। ठीक, अच्छी बात है। आगे लिखा इट प्रोवाइड्स फिजिकल और डिजिटल एक्सेस। ये देखो, ये एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सेस लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि ए के साथ बी लगा लो, मतलब एस वन के बाद ए और बी। आगे देखो, यहाँ लिखा कि दे फैसिलिटेट ग्रुप स्टडी एंड कोलेबोरेशन। कौन फैसिलिटेट, ग्रुप स्टडी को कौन फैसिलिटेट करता है? लाइब्रेरीज करती हैं, ठीक है, ये या रिसोर्सेज करते हैं। ठीक, ये दोनों के बाद आया अ लाइब्रेरीज कलेक्शन इंक्लूड बुक्स। एक लाइब्रेरी का जो कलेक्शन है उसमें बुक्स होती हैं, पीरियडिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। फिर का लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्राम फ्यू सेल्फ टू सेवरल, उसमें कुछ अलमारियों से लेकर के बहुत सारी अलमारियों तक हो सकते हैं। तो ये मुझे तो सीधे सीधे ए बी सी डी ही कनेक्ट लग रहा है, ए के बाद बी होगा। ठीक है, क्योंकि एस वन में रिसोर्सेज की बात की है, दीज रिसोर्सेज ए में है और ए में एक्सेसिबल है और बी में एक्सेस दिया हुआ है। एस वन के पास ए और बी, तो एस वन लगा ए और बी, यहाँ पे ए सी दिया है, कनेक्ट नहीं होगा, ए सी कनेक्ट नहीं होगा, ए बी डी सी है, तो डी पहले कर दें, सी पहले बाद में करें तो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं रिसोर्सेज की बात की है ना, प्रोवाइड पर्टिकुलर डिजिटल एक्सेस यहाँ दिया हुआ है टू द यूजर्स। अब यूजर्स हैं तो यूजर्स ग्रुप स्टडी करेंगे, इसलिए ये जो दे लगा हुआ है वो यूजर्स के लिए लगा हुआ है, तो इसका मतलब सी के बाद डी भी हमारा कनेक्ट होना चाहिए। तो ये चौथा वाला फिर करो, फिर तीसरा वाला नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, चले आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका आया 11। 11 में क्या बताना है? अबंडन का साइनोनिम बताओ भैया। तो अबंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना, डिजर्ट कर देना किसी चीज़ को। तो कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कोई लेना देना, रिलिंक्विश का मतलब होता है त्याग देना, ये हो सकता है। चेरिश का मतलब कोई चीज़ अपने मन में बहुत दिनों से पाले हुए हो, सोच रहे हो, सपने हैं उनके, ठीक है, तो ये फिर यहाँ नहीं होगा, टॉलरेशन होगा, बर्दाश्त करना है नहीं। तो रिलिंक्विश मतलब त्याग देना होता है, अबंडन, डेजर्ट, रिलिंक्विश, ये सब होता है, फॉरसेक, गिव अप, ये सारी चीज़ें। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, फिर से एक बार अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार सेंटेंस अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना, पैराग्राफ नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस के बाद अब ये एक सिचुएशन बता दी, अब हमको सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत है। टॉक ऑफ नथिंग इन पर्टिकुलर ये लग नहीं रहा, ही वुड वेलकम अस विद स्माइल, वो हमें बड़ा मुस्करा के स्वागत करता है। क्रेक अ जोक अर टू, एक या दो हंसी मजाक की बातें होती हैं। फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स मतलब कुछ समय तक, तो ये आखिरी रहेगा, टाइम बता रहा है, बीच में ये सारे काम होंगे। वो काम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? बी से हो रहा है, ठीक है, वो हमको रिसीव करता है, ठीक है, उसके बाद मुस्करा के रिसीव करेगा और एक दो हंसी मजाक की बातें होती हैं, तो बी के बाद सी लगा लो, बी के बाद सी होगा और लास्ट में डी होगा, ये बात तय है। तो शुरू में बी सी और लास्ट में डी चाहिए हमको, तो बी सी ये शुरू में हो गया, लास्ट में डी, और किसी में बी से शुरुआत ही नहीं है, सीधी सी बात है, कहानी ख़त्म। सब में ए ए ए से स्टार्टिंग है, जबकि ए से स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, बी से स्टार्ट करोगे, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए हमको, तो ये बी वाला होगा। एक बार फिर से क्लियर करके बताता हूँ आपका, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? बी वाला होगा। आगे आ जाओ भाई, तो आगे हैं, तो क्या है इसमें? डायरेक्ट बनाओ सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच। यहाँ लिखा महेंद्र टोल्ड हर, महेंद्र ने उसको बताया, इसकी जगह इन्वर्टेड कॉमा लग गया, ही कौन हो गए? महेंद्र हो गए, तो आई रहा होगा। वुड का मतलब यहाँ क्या रहा होगा? विल रहा होगा। वेटिंग फॉर हर, हर की जगह क्या होगा? यू रहा होगा, क्योंकि सी से कहा है, तो ये ढूंढो पहले ज़रा। महेंद्र टोल्ड हर, ये आस्क लिखा है, ये आस्क लिखा है, तो हो ही नहीं सकते, यहाँ भी टोल्ड है, यहाँ भी टोल्ड है। यहाँ लिखा ही विल बी वेटिंग फॉर हर, हर नहीं हो सकता ना, फॉर ही कैसे हो सकते हैं, आई लगना चाहिए ना भाई, मतलब अगर ही होता तो फिर महेंद्र के लिए लगा हुआ है ना, ये महेंद्र के लिए लगा तो ही हो ही नहीं सकता, फिर ये भी गए काम से, इनका भी हो गया। आई विल बी वेटिंग फॉर हर, ये ठीक है, यहाँ आई लगा महेंद्र के लिए, यही ठीक है, चौथा वाला होगा। अब आगे आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये डायरेक्ट में दिया है। हेनरी प्लेफुली आस्क्ड द किड्स, हेनरी ने प्लेफुली मतलब बड़ी खुशी खुशी आस्क्ड द किड्स, बच्चों से पूछा कि हाउ कैन यू स्प्लिट दिस पेपर फर्दर इनटू प्ली पीसेज।
तो अब इन्होंने पूछा यहाँ तक तो कोई दिक्कत, पहले हम देखते हैं हाउ कैन यू स्पिट, तो हाउ को अपनी जगह पर छोड़ दो, यू कौन हो गए, बच्चे हो गए, तो हाउ दे हो गया और कैन का क्या हो गया, हाउ कुड, अच्छा हो गया, स्प्लिट यही रहेगा, दिस का दैट हो जाएगा, ये ढूंढो पहले, हाउ दे कुड हैव लगा दिया, गलत हो गया, हाउ दे कुड स्प्लिट दैट पेपर, ये ठीक है, यहाँ लिखा है कि हाउ कुड दे स्प्लिट, तो कुड जो है दे के पहले आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, इनडायरेक्ट में कुड बाद में जाता है, तो ये भी गलत हो गया। अब आ गया यहाँ पे किट्स दैट हाउ दे कुड, अब देखो अगर हाउ लगा होगा तो इसके साथ दैट नहीं लगेगा, ये भी गलत हो गया, तो ये दूसरा वाला एकदम से ठीक है, एकदम से करेक्ट है। आगे आ जाओ, अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसमें फिर से एरर आ गई। देखो व्हाइल ड्राइविंग, जब गाड़ी चला रहा होता है तो चलाते समय सतीश ऑलवेज स्विचेज ऑफ हिज मोबाइल फ़ोन, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद बच्चा, गाड़ी चलाते समय फ़ोन को स्विच ऑफ रखता है, एंड कैप्ट इट इन द डैशबोर्ड, और वो फ़ोन को डैशबोर्ड में रखता, तो देखो ये आदत की बात है ना, किसी का स्वभाव है, हैबिट है, तो स्विचेज ऑफ ठीक है, हैबिट में होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, लेकिन ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा कि वो फ़ोन को स्विच ऑफ रखता है और फ़ोन को डैशबोर्ड में रखता है, तो ये जो केप्ट है, केप्ट का कीप्स होना चाहिए कि नहीं, दोनों तो आदतों से ही रिलेटेड है, तो केप्ट गलत हो गया, केप्ट का कीप्स हो गया, ये तीसरा हो गया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट में क्या है, इन्होंने कहा कि साइनोनिम बताओ किसका, साइकोफेंट का, साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, चापलूस आदमी होता है, चापलूस आदमी कौन होता है, जो अपने मतलब के लिए आपकी तारीफ़ करेगा, आपकी खुशामद करेगा, खुश हो जाओगे पैसा खर्चा करोगे, साइकोफेंट को क्या कहते हैं, फ्लैटरर कहते हैं, हो गया। मैमथ मतलब क्या होता है, बहुत विशाल का है, अति विशाल का है, किलर जानते हो, साइको मतलब सनकी टाइप का होता है। तो आगे आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है ना, 17 में क्या कह रहे हैं, इसकी एक्टिव वॉइस में चेंज करो, होपफुली सब में लगा हुआ है, काट लो, द मैच विल बी वन, मैच विल बी वन बाई आवर टीम, तो बाई आवर टीम को पहले करो, आवर टीम हो गया, और विल बी वन है तो विल बी वन है, तो विल बी वन की जगह क्या होगा, विल विन होगा, ठीक है, पैसिव में से एक्टिव बनाओगे, विल विन होगा, यहाँ विल हैव लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ विल विन लिखा हुआ है तो ये ठीक है, यहाँ विल बी विनिंग होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ विल बी विन नहीं होगा, बी नहीं, विल विन होना चाहिए, तो ठीक है, कौन सा ऑप्शन हुआ, केवल दूसरा वाला। आगे आ जाओ, अब आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा, ये इनडायरेक्ट में चेंज करो, लिखा द ओल्ड किंग सेट, बूढ़े राजा थे उन्होंने कहा कि गुड हिवेंस मतलब हे भगवान, आई एम रुइंड, मैं तो बर्बाद हो गया, तो ये क्या है, ये बताओ ये कैसी अभिव्यक्ति है, दुख की अभिव्यक्ति है, चलो दुख में आ जाओ, ढूंढो, द ओल्ड किंग वाज सॉग्ड, सॉग्ड नहीं थे भाई, दुखी थे, सॉग्ड नहीं लगता दुखी होने के लिए, चौक जाते हैं तब होता है, द ओल्ड किंग ब्लेम्ड हिवन, बिल्कुल नहीं, द ओल्ड किंग एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, हाँ दुख है इनको कि दैट ही वाज रुइंड, ये तो ठीक है, क्राइड आउट नहीं होगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ हैज लिखा हुआ वैसे भी नहीं लगेगा, ये तो तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट 19 नंबर पे है, फिर एरर की बात आ गई, और एरर होना पक्का है क्योंकि देखो नीचे नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिखा ही रीच्ड क्विकली बिकॉज, ही रीच्ड क्विकली, वो बड़ी जल्दी से पहुंच गया, ठीक है, बिकॉज फाइव माइल्स वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, अब इन्होंने कहा अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक दूरी अ लॉन्ग डिस्टेंस करोगे तो 5 miles के लिए वर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पढ़ाया है कि जब हम किसी चीज़ को एक अमाउंट के रूप में देखें, अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, ऐसे देखते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, उसके साथ वर्ब प्लूरल ही सिंगुलर लगती है, तो वाज नहीं वहाँ पे, वर नहीं वाज लगना चाहिए, तो ये जो वाज है वर है वो गलत है, आंसर क्या हुआ, 3 वाला हुआ। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये रहा हमारा, तो नेक्स्ट में क्या है, साइनोनिम बताना है किसका, ग्रेगेरियस, ग्रेग का मतलब क्या होता है, ग्रेग मतलब होता है समूह में, एकजुट में, ग्रेगेरियस मतलब ऐसे लोग जो समूह में 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहना पसंद करते हैं, इनका साइनोनिम बताना है, एंटी सोशल तो अपोजिट हो जाएगा जो समाज का विरोधी है, इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी होता है, अंतर्मुखी मतलब लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, एंटोनीम हो गया, सोशिएबल 4 लोगों से के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, ये लग जाएगा, एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साह में, इनका कोई लेना देना नहीं है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 3 वाला। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में क्या करना है हमको, ये इतना अंडरलाइन क्या हुआ, बाई एन एलिमेंट्री स्कूल, तो अब बाई थोड़े लगेगा, एलिमेंट्री स्कूल स्कूल है तो एट लगना चाहिए। आगे देखते हैं, ही सी वाज अ स्पेशल एजुकेशन टीचर, वो एक स्पेशल एजुकेशन टीचर थी
फॉर डिसलेक्सिक चिल्ड्रेन। डिसलेक्सिक क्या होता है, ऐसे बच्चे जो मतलब कि जो चीज़ लिखी होती है उसको देख के पढ़ वढ़ नहीं पाते हैं। तारे जमी पे एक मूवी देखी होगी, उसमें था ईशान वर्मा, तो उस चीज़ें उल्टी ऑन को नो पढ़ता था, नो को ऑन पढ़ता था, वही सब लोग होते हैं जिनको देख के पढ़ने में दिक्कत होती है, डिसलेक्सिया होते हैं उनको। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी टीचर थी बाय एन एलिमेंट्री स्कूल, नहीं भाई बाय एन नहीं, एट एन एलिमेंट्री स्कूल, एक एलिमेंट्री स्कूल में थी ये, तो ऐट लगाना चाहिए ना, एट एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लियर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। इसमें इन्होंने साइनोनिम पूछा है किसका, अटमोस्ट का। अटमोस्ट का मतलब जानते क्या होता है, मैक्सिमम। अटमोस्ट क्या होगा, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा वाला। तो गुड नहीं, मिनिमल नहीं, ग्रेटेस्ट या लीस्ट, कम हो जाएगा, तो तीसरा वाला आंसर आ गया। आगे आ जाओ, आगे है फिर से एरर। कितना एरर होगी यार, बाय नेक्स्ट ईयर मतलब अगले साल तक, ही विल बीन लिविंग, भाई देखो विल के साथ बीन तो नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा, इन बेंगलुरु मतलब अगले साल तक उसको बेंगलुरु में रहते हो जाएगा, फॉर एट ईयर्स। यहाँ देखो फिर वही जो क्वेश्चन विल है बीन वाला बताया था, फॉर एट ईयर्स, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए, विल हैव बीन, क्या होगा ये, विल हैव बीन लिविंग, तो ये गलत हो गया, विल बी लिविंग नहीं, विल हैव बीन लिविंग होगा। तो कहाँ है ये वाला है ना, यही वाला गलत हो गया, पहला वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ फिर भाई, ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में। एक्टिव वॉइस बनाना है इनका, द पेंटिंग वॉज डन बाई हिज सन, बाई हिज सन में हिज सन को कान पकड़ के इधर ले आओ, वॉज डन, वॉज डन का मतलब हमें क्या, यहाँ क्या चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म चाहिए। वर्ब की सेकेंड फॉर्म ढूंढो किस में दी हुई है, ऑप्शन ढूंढो जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी है, इज डूइंग गलत है, डिड सही है, पेंटिंग वॉज कंप्लीटेड पैसिव में हो जाएगी, ये तो वॉज पेंटिंग वॉज हिज सन वर्क, ये कहाँ से होगी पैसे, तो ये हो गया, डिड मिला हमको ना, ये दूसरा वाला हो जाएगा। अब आगे आ जाओ भाई, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 पे, हाफ पे पहुँच गए, ठीक 25 हो गया। तो इसमें इन्होंने क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। अब देखो क्या कहा है कि द मैनेजर सेड, आगे लिखा है कि दैट ही वुड बी ऑन लीव, मैनेजर सेड, सेड को इन्वर्टेड कॉमा मार लो, दैट गया, ही कौन है, मैनेजर है, तो इसका मतलब आई होगा, और वुड का क्या हो गया, विल हो जाएगा, बी ऑन लीव द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे की जगह पे क्या लगा दो, टुमारो लगा दो, तो ये दैट डे गलत हो गया, ठीक है ना, टू डे गलत हो जाएगा, दो बच गए टुमारो, दूसरा और तीसरा तो निकल गए। आई विल बी ऑन लीव, ये ठीक है, यहाँ आई विल बी ऑन लीव टुमारो, द मैनेजर सेड, अच्छा दोनों में लिखा आई विल बी ऑन लीव टुमारो, आई विल बी ऑन लीव टुमारो, तो इधर देख लो, द मैनेजर हैज सेड, यहाँ सेड दिया हुआ, तो यहाँ हैज सेड कैसे होगा, ये गलत हो गया, अब ये चौथा वाला सही हो गया, ठीक। जब ज़्यादा सही मिलेगा तो हमें कई जगह से क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना, जहाँ से हो जाए, आगे आ जाओ अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, इसमें क्या है, फिर वही इनडायरेक्ट, ही सेड, आगे लिखा है दीज ड्रेसेज, सेड पास्ट में है, दीज का क्या हो जाएगा, दोज, और आर का क्या हो जाएगा, वर, तो दोज ड्रेसेज वर, तो दोज ड्रेसेज के साथ वाज लगा, गलत हो गया, दीज नहीं हो सकता, दोज होता फिर आर भी गलत है, दीज ड्रेसेज वर, यहाँ दीज का दोज होना चाहिए, फिर ये बचा आपका चौथा वाला, आगे आ जाओ, ठीक है। तो अब की बार क्या करें, अपोजिट मीनिंग बताओ, अपोजिट मीनिंग किसी की बतानी है आपको, डिनाउंस्ड की बतानी है, द प्रोजेक्ट वाज डिनाउंस्ड एज अ स्कैंडलस वेस्ट, इसको प्रोजेक्ट को डिनाउंस किया गया एक स्कैंडलस वेस्ट के रूप में ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, तो जो लोग टैक्स देते हैं उनके पैसे की बर्बादी, ये इसको माना गया कि वो इनके पैसों की क्या है, बर्बादी है, ठीक है। तो 27 पे क्या लगेगा भाई बताओ, डिनाउंस के लिए, डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अनाउंस कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, तो अब ये डिफेंड होता है, डिफेंड का मतलब उसको रोका गया, उसके विरोध में बोला गया ना, डिफेंड का बचाव किया गया, तो अब ये इसका अपोजिट तो यही हो जाएगा, डिनाउंस डिक्लेयर करना होता, तो डिफेंड मतलब उसके विरोध में, तो डिफेंड इसका एंटोनीम हो गया। अब डिस्क्राइब को मतलब उसका वर्णन करना साइनोनीम हो जाएगा, रिप्रेजेंटेड भी साइनोनीम हो गया, डिक्रीट मतलब किसी चीज़ के फैसले के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा, आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला हो जाएगा। अब आगे आ जाओ, आगे क्या है 28 में क्या है कि जिमी डांस्ड हिज वे टू ग्लोरी, मतलब खूब डांस किया खुशी होके, लाफिंग ऑल द वे, रास्ते पर हंसता रहा, टू द बैंक,
ठीक है। आगे लिखा है आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी, ओहो ट्रॉफी जीतने के बाद वो बहुत खुश रहा। आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी, तो नो सब्स्टिट्यूशन इसमें, आफ्टर विनिंग द ट्रॉफी जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें कोई एरर है ही नहीं है। आगे आ जाओ फिर, तो आगे हमारा क्वेश्चन है 29। 29 में क्या कह रहे हैं, पैसिव वॉइस बनाओ। द लाइफ गार्ड रेस्क्यूड मोली एंड हर फैमिली, तो मोली एंड हर फैमिली इसके इसको पहले करोगे, रेस्क्यूड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर लगा दो तो वर रेस्क्यूड कहाँ होगा, मोली एंड हर फैमिली वर रेस्क्यूड, ये मिल गया हमको तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ वर के साथ बींग लगा हुआ ये गलत है, इज लगा नहीं सकते हो, यहाँ पे वाज सिंगुलर हो जाएगा तो वर लगना था, पहला वाला हुआ। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पे बच्चा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें अंडरलाइन एक एडियम दिया हुआ है कि अरुणिमा इज एप्पल ऑफ हर मदर्स आई, तो एप्पल ऑफ हर मदर्स आई मतलब क्या, वो अपनी आँखों का सॉरी अपनी मम्मी की आँखों का तारा है, उसकी मम्मी उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, तो मदर्स एनिमी नहीं होगी, अनवाइंग हर मदर बिल्कुल नहीं, स्पाइटफुल पर्सन नहीं होगा, अ पर्सन ऑफ होम हर मदर इज एक्सट्रीमली फॉन्ड एंड प्राउड, जिसपे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो उनका बहुत प्रिय हो वो होगा एप्पल ऑफ आई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आ जाओ, यहाँ क्या है पैसिव वॉइस बनानी है, किसका, अर्थक्वेक हैड डिवास्टेटेड द विलेज, हैड डिवास्टेटेड पहले यहाँ हो, हैड डिवास्टेटेड का मतलब पैसिव क्या होगा, हैड के बाद बीन यूज करो, हैड बीन डिवास्टेटेड पहले यही ढूंढो, तो यहाँ हैड डिवास्टेटेड गलत हो गया, हैड बीन डिवास्टेटेड ये ठीक है, या वाज डिवास्टेटेड गलत हो गया, हैज बीन यहाँ हैज नहीं होगा, हैड का हैड ही रहेगा, केवल दूसरा वाला ऑप्शन होगा, हो गया ना आराम से। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप वो क्या कैसे करना है इसको, वर्ब को ठीक कर लो, वर्ब से मतलब अक्सर तीन के तीन ऐसे ही निकल जाते हैं, करना क्या है आपको। अब आओ 32 में, 32 में क्या है, फिर से एक्टिव वॉइस बनाना है, आई एम रिकॉग्नाइज्ड, आई एम रिकॉग्नाइज्ड, चारों के सब्जेक्ट क्या है देखो, पीपल 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 लिखा हुआ है, एम रिकॉग्नाइज्ड का मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो पीपल रिकॉग्नाइज्ड पीपल के साथ ये रिकॉग्नाइज्ड, ये पास्ट हो जाएगा, पास्ट लगेगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये पीपल रिकॉग्नाइज यहाँ ठीक दिया हुआ है, पीपल रिकॉग्नाइज में यहाँ ठीक दिया हुआ है, आई रिकॉग्नाइज ये होगा नहीं क्योंकि आई सब्जेक्ट नहीं आएगा पैसिव में। अब आ गया जाओ, इसमें हमें दो सही मिल रहे हैं, दो में क्या करना होगा कि आगे लिखा है कि फॉर माई कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमिक वर्ल्ड, ठीक है, तो पीपल रिकॉग्नाइज मी फॉर माई कंट्रीब्यूशन टू द एकेडमिक वर्ल्ड, यहाँ लिखा है कि पीपल रिकॉग्नाइज मी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, अब मेरा कंट्रीब्यूशन है तो ये देयर कंट्रीब्यूशन क्यों होगा, तो तीसरा वाला गलत हो गया, अब कौन सा बचा, केवल दूसरा वाला बचा, ठीक है ना, ऐसे क्या करो। अब आ जाओ हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपका कौन सा है 33, एंटोनीम बताना है किसका, अबाइड, अबाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ओबे करना, किसी चीज़ को फॉलो करना, कोई नियम है कोई प्रोटोकॉल है उसके अनुसार चलते हैं, एंटोनीम क्या होगा इसका, विरोध करना, तो रिजेक्ट करना हो जाएगा इसका एंटोनीम चौथा हो गया, एंड्योर बर्दाश्त करना, एंटीसिपेट मतलब पहले से उसका अनुमान करना पूर्वानुमान, और ड्वेल का मतलब वहाँ पर रहना लिव, ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या है, अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है, तो रोहन गॉट हिज बर्थडे गिफ्ट इन द ट्विलाइट, गॉट मतलब उसको अपना बर्थडे गिफ्ट मिलता है का इन द ट्विलाइट, इन द ट्विलाइट का मतलब होता है शाम होने वाली थी, ठीक है, कब मिलता है उसको, वही शाम होने वाली थी, टिमटिमाहट शुरू होती है, रात पूरी तरह से नहीं हुई है, तो रिसीव्ड तो ठीक है, हिज बर्थडे प्रेजेंट एट डस्क, एट डस्क तो ठीक है, हाँ ये शाम का समय हो सकता है, और इन द डॉन मॉर्निंग में नहीं होगा, ठीक है, और इन द जेनेसिस ये भी नहीं होगा, इन द मॉर्निंग नहीं ये नहीं होगा, सब में कौन था पहला वाला, इन द ट्विलाइट का मतलब ट्विलाइट का मतलब वह टिमटिमाहट शुरू मतलब स्टार्टिंग होती है शाम को, डस्क का समय उसको कहा जाता है। ठीक, आगे आ जाओ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 35। इसमें क्या करें, एडियम है उसकी मीनिंग में, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ इसका मतलब क्या होता है, मतलब जस्ट बेयरली गेट बाय और मेक इट, मतलब जस्ट बेयरली गेट मतलब मुश्किल से किसी चीज़ को प्राप्त करना या उसको क्या कर लेते हैं हम बना लेते हैं, बाय द स्किन ऑफ टीथ मतलब दांत की स्किन से फटाफट उसको कर लिया, मतलब तुरंत तुरंत अभी अभी बनाया हुआ है, तो ये हो गया पहला वाला, यही आंसर भी है इसका पहला वाला ही। ठीक है, आगे आ जाओ, तो अगला है क्वेश्चन 36 में, 36 में क्या बताना है, पैसिव वॉइस, सारा वाज ब्रिंगिंग द केक फॉर द पार्टी, वाज के साथ ब्रिंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मतलब क्या हुआ, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, तो पहले बीइंग के साथ थर्ड, वाज बीइंग बॉट, अब यहाँ देखा ब्रिंग है,
ब्रिंग का बॉट नहीं होता, ब्रिंग ब्रॉट होता है, तो बी आर ओ यू जी एस टी होना चाहिए, गलत हो गया, धोखा तो तगड़ा है ये। बॉट ब्रॉट, आर हटा दिया, अब जल्दी में होगा, जल्दी में तुम्हें वो ठीक लगेगा बॉट, पर है गलत। इज बीइंग इज, अब देखो यहाँ वाज है ना, तो इसको इज कैसे लगाओगे, ये इज गलती कर दिया, ये वाज बीइंग ब्रॉट, ये हमको ठीक मिला है, और यहाँ वर केक के लिए वर नहीं लगाएंगे, समझ में आया ना, तो ये तीसरा वाला लग गया। अब आगे आ जाओ भाई 37 में, क्या करें 37 में, फिर अरेंज करो इनको मीनिंगफुल आर्डर में। तो 37 में जब मीनिंगफुल आर्डर हम लगाएंगे, तो हमारा आर्डर क्या बन रहा है, देखो इट इज़ सेड दैट हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है, अच्छी बात है। ही यूजेज, ही यूजेज में ही कौन है अभी मिलाना, ही यूजेज हिज हेल्थ फॉर वर्क, यहाँ पे लिखा ही डज नॉट टॉक अबाउट हिज हेल्थ, अभी ही मिला नहीं हमको। अब यहाँ पे लिखा है ही रीड्स, अब ये मिला अ हेल्दी पर्सन, यही हमारा ही है, तो सी से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग किससे होगी, सी से होगी, तो सी यहाँ बी से स्टार्ट है होगा नहीं, यहाँ सी से स्टार्ट है, यहाँ ए से स्टार्ट है होगा नहीं, यहाँ डी से स्टार्ट, केवल एक ही है, बी ही स्टार्ट कर सकते, बस ए में बी में और डी में ही लगा हुआ है, केवल सी ऐसा है जिसमें अ हेल्दी पर्सन है, नाउन पहले, प्रोनाउन बाद में, सी पहले आएगा, ठीक, कहानी ख़त्म हो गई, लग गया हमारा, और ज़्यादा हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतने में काम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में, क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, लिखा आई सेड, आई सेड में यहाँ यहाँ दैट लगाए, इन्वर्टेड कॉमा लगाओ, व्हेन इट स्टॉप्ड ड्रिजलिंग, तो व्हेन व्हेन रहेगा, इट स्टॉप्ड, स्टॉप को हम प्रेजेंट में ले लेंगे, स्टॉप्स कर देंगे, ड्रिजलिंग वी है तो वी को वी में ही रहने दोगे, वी वुड हैव, वी वुड हैव की जगह विल हैव कर देंगे, और क्या, तो व्हेन इट स्टॉप्ड, देखो मैं कहा था यहाँ स्टॉप्ड लिखा हुआ है और ये पास्ट है, तो स्टॉप्ड तब होगा जब स्टॉप्स रहा होगा वहाँ पे, है ना, तो स्टॉप्ड नहीं होगा, व्हेन इट स्टॉप्स होगा, ये ले लो, ठीक है, व्हेन ड्रिजल विल स्टॉप, ये होगा नहीं, व्हेन इट स्टॉप्स, यहाँ पे दोनों में दिया है व्हेन इट स्टॉप्स, आगे बढ़ोगे ड्रिजलिंग वी मस्ट, मस्ट यहाँ क्या लिखा है, वुड हैव टू, ठीक है, तो वुड हैव टू दिया है, और यहाँ वी विल स्टार्ट दिया हुआ, तो वुड हैव टू, अगर या तो हम विल हैव टू करें, विल स्टार्ट होता तो वी वुड स्टार्ट हो जाता, तो ये गलत हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये वी मस्ट हो गया, वुड हैव टू है ना, फ्यूचर में हमें काम करना पड़ेगा, तो वुड हैव टू लगा है, तो इसलिए मस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, विल लगा दोगे तो केवल प्लेन एक्शन हो जाएगा, फोर्स नहीं रहेगा उसमें, इसलिए विल नहीं करेंगे, टू वाला कर लेंगे। आगे आ जाओ, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 39 में, तो 39 में क्या है, एंटोनीम बताना है, किसका, प्राइमल का, तो प्राइमल का एंटोनीम क्या होगा बताओ, प्राइमल का एंटोनीम ये बहुत पुराना होता है, मतलब क्या होगा, एकदम प्राचीन पुराना, अब पुराने का ऑटोथमेटिक, ठीक है, ऑटोथोनिक ये क्या होता है, ऑटोथोनिक, ऑटोथोनिक मूल निवासियों से रिलेटेड होता है, कौन, मूल निवासी जो किसी जगह के होते हैं नेटिव, अब प्राइमल का मतलब ही होता बहुत पुराना प्राचीन हो गया, तो सब साइनोनिम हो गए ना, रिसेंट का मतलब अभी हाल का नया नया हो जाएगा, और इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी हो गया, तो ये भी तो वही हो गया पुराना, तो क्या लगाओगे, रिसेंट लगाओगे, यही एक अपोजिट में जा रहा है, बाकी सब प्राचीन स्वदेशी और मूल निवासी प्राइमल ये सब हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, इसमें एंटोनियम बताना है किसका, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई लास्ट नहीं है, एंटोनियम बताना है, बाउंडलेस सिमिलर हो जाएगा, अनफैथमेबल जिसको मतलब समुद्र की गहराई फैथम में नापी जाती है, अनफैथमेबल मतलब अनमेजरेबल जिसको हम नाप नहीं सकते, ऊंचाई गहराई कोई भी चीज़ जिसकी, अब एब्सोल्यूट हो गया, एक एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मतलब संपूर्णता में आता है, उसका भी कोई आदि और अंत नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवानसेंट, एवानसेंट का मतलब होता है ये क्षणिक के लिए यूज किया जाता है, क्षणिक मतलब टेम्पोररी ट्रांजिटरी कुछ पल के लिए होता है, तो अब ये इनफाइनाइट मतलब अनंत के लिए हो गया, और एवानसेंट मतलब होगा क्षणिक हो गया पल भर के लिए हो गया, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, एंटोनीम में। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ 41 में, तो यहाँ क्या लिखा है, इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट, द न्यूज़ दैट द एग्जामिनेशन वर बीन कैंसल्ड, जो ये एग्जामिनेशन सॉरी ये न्यूज की एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, अपसेट ऑल आवर प्लान्स, उसने हमारे सारे प्लान को अपसेट कर दिया, जैसे प्लान बनाया होगा एग्जाम खत्म होने के बाद मूवी देखने चलेंगे, एग्जाम कैंसिल हो गया, बर्बाद हो गया, या तो आज ही चले जाएं,
ठीक है, तो वर बीन, देखो यहाँ पे वर बीन नहीं होगा, वर बीन कैंसिल्ड एग्जाम, वर बीन तो वर लगाओगे बीन नहीं लगाओ, या तो हटा दो इसको, एग्जामिनेशन वाज कैंसिल्ड, ठीक क्या होगा, या तो एग्जामिनेशन वाज कैंसिल्ड और या तो एग्जामिनेशन हैड बीन कैंसिल्ड, ऐसे करोगे। वाज के साथ बीन तो लगा ही नहीं सकते हो, हैव बीन है तो हैव बीन में एग्जामिनेशन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा नहीं, अब एक ऑप्शन बच रहा है, हैव बीन लगाओ, ठीक है आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट में चेंज करो, स्नेहा सेड टू मी, स्नेहा मुझसे बोली, क्या बोली, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना काम करूँ, तो आई कौन हो गया, स्नेहा हो गई, सी हो गया माई का हर हो जाएगा, अच्छा एम का वाज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सेड है, चलो ढूंढ लो, दैट सी वाज डूइंग हर होमवर्क, ये तो एकदम से ठीक है, और यहाँ लिखो दैट सी हैड बीन, अब भैया देखो आई एम का हैड बीन नहीं होगा, गलत हो जाएगा, और सी के साथ यहाँ वर लगा हुआ है, वर प्लूरल हो जाएगा, और हैज बीन कहाँ होगा, प्रेजेंट में कैसे आएगा, ठीक है तो पहला वाला हुआ। आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, इसमें क्वेश्चन है एरर का, तो लिखा है कि ही इज गोइंग टू बी वॉश, अरे यार टू बी क्यों लगाओगे, ही इज गोइंग टू वॉश द डिशेज, वो बर्तन धोने जा रहा है, टू बी वॉश नहीं होगा, ही इज गोइंग टू बी वॉश मतलब उसको धोया जाएगा, तो उसको नहीं धोया जाएगा, वो धोने जा रहा है, तो टू वॉश होना चाहिए, ही इज गोइंग टू वॉश, कहाँ है टू वॉश, वॉश वॉश वॉश, ये दिया हुआ है, तो आपका थर्ड वाला आंसर होगा, ठीक है आगे आ जाओ। 44 क्या करना है, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करो, रोहन वर्बली अगले का इंसल्टेड स्टीफन, इंसल्टेड, इंसल्टेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब हम वाज वर के साथ, स्टीफन सिंगुलर है, वाज के साथ हम इंसल्टेड, ठीक स्टीफन वाज वर्बली इंसल्टेड, तो स्टीफन वाज बीइंग का है लगा दिए, कंटिन्यूअस थोड़े है, हैज देखो वा भाई पास्ट इंडिफिनिट है ना, तो हैज कहाँ आएगी वहाँ पे, तो हैज नहीं, हैड भी नहीं आएगी, तो ये बच्चा वाज वर्बली इंसल्टेड, तीसरा वाला आ गया हो, ठीक है तो ये हमारा अगला, फिर से एरर आ गई, मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स, अच्छा ठीक है, मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड्स हैव नेवर कम हेयर, हैव नेवर कम हेयर, यहाँ कभी नहीं आए हैं, नेवर लगाओगे यार तो फिर आदत में लगाओ ना, मिस्टर रमेश और उनके दोस्त यहाँ कभी नहीं आते हैं, तो कभी नहीं आते हैं तो नेवर कम हेयर लगाओ ना, ये हैव हटाओ, ये किसी के आदत से रिलेटेड है, आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, तो हैव नेवर कम को गलत कर दो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 में, और यहाँ क्या कह रहे हैं, फिर वही एरर की कहानियाँ, इट इज़ लिटिल लेटली टू गो बैक वेयर वी स्टार्टेड फ्राम, इन्होंने कहा जहाँ से हमने शुरू किया है वहाँ वापस जाने के लिए अब देर हो चुकी है, अब थोड़ी देर हो चुकी है, तो लेटली का मतलब क्या होता है, हाल ही में, और यहाँ होना क्या चाहिए, लेटली नहीं, इट इज़ लिटिल लेट, अब थोड़ा देर हो गई है, तो टाइम होती है ना जब देर के लिए लगाते हैं तो लेट लगाते हैं, लेटली का मतलब अभी अभी, अब यहाँ अभी अभी का तो कोई सेंस है नहीं, तो लेटली गलत हो जाएगा, तो कौन सा पहला वाला आंसर हुआ। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट में हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना, लेट द एक्सपर्ट्स एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो लेट को यहीं कॉपी कर दो, लेट हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ ले लो, ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद लगाओगे बी, और बी के बाद क्या होगा, एम्फेसाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद बाय द एक्सपर्ट्स लगाओगे, लेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बी एम्फेसाइज्ड, चलो ढूंढो, तो यहाँ लिखा लेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बी एम्फेसाइज्ड बाय द एक्सपर्ट्स, पहला वाला एकदम से ठीक है, ठीक है, तो दूसरा वाला देखो, लेट इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लेट बी यहाँ क्यों लगा दिया, लेट बी ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ये लेट बी यहाँ नहीं होगा, लेट शुरू शुरू में ही रहेगा, तो ये दूसरा वाला गलत हुआ, लेट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज एम्फेसाइज्ड, इज क्यों लगाओगे, बी लगाओगे, लेट के साथ इज नहीं लगता, द इम्पोर्टेंस ये लेट से शुरू होने, तो पहला वाला ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। अब आ जाओ 48 में, करेक्ट सेंटेंस ढूंढो, इसमें कौन सा करेक्ट है, द ओपन डिस्कशन विद द मीडिया यस्टरडे, ठीक, द न्यू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ऑन द न्यू पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट वाज एन एक्सीलेंट वन, तो ये वाज किसके लिए लगा है, डिस्कशन के लिए लगा है, तो वाज भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब अगला देखो, आ ओपन डिस्कशन, भैया ये ओपन है तो ये आ नहीं एन होना चाहिए था, ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ लिखा एन ओपन डिस्कशन ऑन द न्यू पॉलिसीज ऑफ आ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आ गवर्नमेंट नहीं होता, ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डेफिनेट होती है, किस गवर्नमेंट किससे बात हो रही है,
लिखा था ओपन डिस्कशन ऑन आर न्यू पॉलिसी। जब यहाँ पॉलिसीज लिखे हो तो यहाँ आ नहीं लगेगा, द होगा, क्योंकि प्लूरल के लिए सिंगुलर हम आ नहीं लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला वाला ही था जो एकदम से सही था। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट है आपका 49। एक क्वेश्चन इसके बाद और बचेगा, ठीक है। आई एम सो हंग्री, इतना भूखा है कि आई कुड ईट, ईट के बाद लिखा है लॉट्स ऑफ फूड, ईट को छोड़ के लिखा है लॉट्स ऑफ फूड, तो क्या होगा? ईट अ हॉर्स, आई कुड ईट अ हॉर्स, मतलब मैं ढेर सारा खा लूँगा। अच्छा, ईट लाइक अ हॉर्स जो लिखा था, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है पेटू, भुक्खड़, ठीक है ना। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब क्या हुआ? पेटू, भुक्खड़, ये विशेषता हो जाती है किसी व्यक्ति के। अब यहाँ ईट को अंडरलाइन नहीं किया गया है, आप ध्यान रखिएगा एक बात को कि यहाँ ईट को अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो ईट को अंडरलाइन नहीं किया गया है तो ईट लाइक आहार्स नहीं आप बोलेंगे, आई कुड ईट आहार्स, बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो ढेर सारा खाएंगे, आई कुड ईट आहार्स, ये होगा। ईट लाइक आहार्स मत करना, वो विशेषता बताता है ना पेटू टाइप का। और यहाँ कार्य के लिए लिखा है ढेर सारा खाऊंगा, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन आज का, आज के डिस्कशन का, इनडायरेक्ट में चेंज करो। सौरभ सेड, सौरभ ने कहा एलास वी हैव बीन चीटेड, अफसोस हमने, हमको ठग लिया गया, तो एलास मतलब दुख की बात होगी, तो ये होगा सौरभ एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दे हैव बीन चीटेड, भैया हैव बीन नहीं हैड बीन, ठीक है ना, पास्ट है। वी हैव चीटेड, बिल्कुल नहीं, हमने थोड़े ना ठगा है। दे हैड बीन और दे वर चीटेड, यहाँ हैव बीन लगा तो हैड बीन होगा ना, वर को क्यों लगाएंगे हम, फिर लगाएंगे हैड बीन को, ठीक है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन 18 नवंबर 2022 का, जो स्टेनोग्राफर का फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था, उसके 100 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए, बाकी के जो 100 बचे हैं उनको हम सेकेंड पार्ट में कल डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कितना एंजॉय किए, कितना आपको फ़ायदा मिल रहा है, इसकी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बाकी आप जानते ही आपको क्या करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अब समय बहुत कम बचा हुआ है, जुटे रहिए, ठीक है। मेरी गुड विशेज आप सबके साथ में है, फिर मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।